दोस्तों, राजा चौधरी ने श्वेता तिवारी पर पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि श्वेता के बैड लक हैं कि उनकी दूसरी शादी भी नहीं चल पाई। वो एक बेहतरीन मदर हैं, शी इज एन एक्सीलेंट मदर एंड एन एक्सीलेंट ह्यूमन बीइंग। इट्स हार्ड लक फॉर हर कि उनकी दूसरी मैरिज भी नहीं चल पाई। ये थे राजा के शब्द। और अब इस पर अभिनव कोहली ने रिएक्शन दिया है अपना। जाहिर सी बात है कि श्वेता के एक्स हस्बैंड ने अगर उनकी तारीफ की है, पहले हस्बैंड ने, तो अभिनव कोहली इस पर रिएक्शन कैसे नहीं देते। उन्हें चुभा तो जरूर होता, क्योंकि उन्हें डेफिनेटली उनका ईगो हर्ट होता और उन्हें ये जरूर लगा होता कि श्वेता की तारीफ कैसे हो गई, और वो भी उसके एक्स हस्बैंड ने कर दी। और इस तरह का इमोशन जो है वो अभिनव कोहली के रिएक्शन से साफ जाहिर हो रहा है। क्या कहते हैं अभिनव, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल दोस्तों, अभिनव कोहली ने ये बताया कि राजा के साथ जो पहली शादी में हुआ, अब मेरे साथ मैं वो झेल रहा हूँ। अभिनव का कहना है कि जब श्वेता राजा के साथ मैरिड थी, तब वो कसौटी जिंदगी की लीड एक्ट्रेस थी। सेट पर वो 12-12 घंटे, कभी कभी उससे ज्यादा रहती थी। ऐसे में पलक जो है, श्वेता की बेटी, उनको माँ बाप दोनों का प्यार राजा देते थे, घर का काम राजा करते थे, हर तरह से जो है राजा हर चीज का ख्याल रखते थे। और इसके बावजूद श्वेता तिवारी ने उस पर घिनौने इल्जाम लगाकर उसके साथ उसकी बुरी हालत की और उसके साथ जो किया वो किया। और अब वही सारी चीजें मैं झेल रहा हूँ जो राजा के साथ पहले हुआ पास्ट में, अब मेरे साथ वो प्रेजेंट में हो रहा है और शायद फ्यूचर में आगे हो और भी हो सकता है। अभिनव कहते हैं कि राजा से मेरी बात कुछ समय पहले हुई थी, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। ऑफकोर्स जब उन दोनों की सेपरेशन की बात हो रही होगी अभिनव श्वेता की, तब अभिनव कहते हैं राजा बहुत अच्छा इंसान है, तब हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें भी हुई थी, श्वेता को लेकर भी बहुत सारी बातें हुई थी। और ऐसे में अभिनव कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि राजा ने ऐसा क्यों कहा है श्वेता के बारे में, कि वो जो भी अच्छी बातें कही हैं, आई एम श्योर उस पर ही अभिनव ने कमेंट किया होगा। तो अब अभिनव कहते हैं कि वैसे तो राजा बहुत अच्छा इंसान है, वो मुझे समझता भी है, मैं नहीं जानता कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब ये देखना है कि इन दोनों के बीच ये जो सारी बातें हो रही हैं, अब इस पर क्या श्वेता रिएक्ट करेंगी, क्या श्वेता तवज्जो देंगी, क्या सोच रहे हैं आप, कमेंट जरूर करें।